दिल्ली कांग्रेस की ओर से दिल्ली न्याय यात्रा का जो आगाज है वो हो चुका है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँ कि इस वक्त हम राजघाट पर मौजूद है और राजघाट पर आप सामने तस्वीरों में देख सकते हो कि यहाँ पर जो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो चुके हैं। अब यहाँ से जो 70 विधानसभाओं में दिल्ली की जो न्याय यात्रा जो यहाँ से अब राजघाट से निकलेगी और साथ ही ये देखा जा रहा है कि 70 विधानसभाओं में ये यात्रा है वो जाएगी और लोगों से तमाम मुद्दे जानने की कोशिश करेगी। तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखा जा रहा है कि न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली में, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? दिल्ली न्याय मांग रही है, दिल्ली न्याय किससे मांग रही है? दिल्ली न्याय केजरीवाल से मांग रही है। जिस केजरीवाल ने सीएम से हटते ही जब आतिशी बनी तो उनका सबसे पहला बयान था कि दिल्ली गड्ढों में तब्दील हो गई है, दिल्ली के गड्ढे भरने चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि 10 सालों में इन्होंने सिर्फ दिल्ली को गड्ढों में तब्दील किया है। जिस दिल्ली को शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार ने पुलों के साथ जोड़ा, मेट्रो के साथ जोड़ा, फ्लाईओवर के साथ जोड़ा, गली गली में मेट्रो पहुँचाई, सीएनजी लगा रहा है, दुनिया भर के काम जो कांग्रेस की सरकार ने जब दिल्ली के अंदर किए उसको ये झूठे वादे दिखा दिखा के, बिजली पानी फ्री के वादे दिखा के दिल्ली को मूर्ख बनाया और दिल्ली के लोगों का वोट लिया। और आज दिल्ली फिर से कांग्रेस फिर से का नारा लेकर आज हम दिल्ली की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली दोबारा से अपनी कांग्रेस को वापसी लाएगी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी है और पहले से देखा जा रहा है कि पिछले कई समय से आम आदमी पार्टी की तो पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सीटें आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो दिल्ली की जनता पिछले 25 साल से ही पसंद नहीं करती। 15 साल का शासन शीला दीक्षित जी का देखो और 10 साल का केजरीवाल, तो दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पसंद नहीं करते। ये एक माहौल बनाते हैं अपना मोदी जी के नाम पर जो ये सीटें जीत जाते हैं साथ, लेकिन दिल्ली अब दोबारा से कांग्रेस की ओर देख रही है। 2 से 3 महीने बचे हुए हैं चुनाव को लेकर और ऐसे में अब 1 महीने की न्याय यात्रा शुरू होने वाली हो रही है, हालांकि कितना असर देखने को मिलेगा इसका? आपको असर बहुत देखने को मिलेगा क्योंकि देवेंद्र यादव जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा केजरीवाल सरकार से जो न्याय लोकपाल बिल से जिस पर केजरीवाल अपने दम पर आए थे वो पेश करने के लिए कहते रही है, पर सीएम केजरीवाल, पूर्व सीएम केजरीवाल और सीएम आतिशी वो ना पेश कर दिल्ली की जनता को सिर्फ षड्यंत्र रच रहे हैं। आप देख सकते हैं छठ महापर्व हुआ है, दिल्ली की जो यमुना है कितनी जहरीली थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि छठ नहीं कर सकते। मैं केजरीवाल से ये आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने दिल्ली की जनता को यही दिया है? ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, कितना असर होगा अब? और देखा जा रहा है कि तमाम जो हजारों की तादाद में कार्यकर्ता है वो एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा एकजुट ही रहते हैं और जो पार्टी का आदेश होता है सब मिल करके उसे पूरा करते हैं, वो भी आज आप देख ही रहे हैं। और अभी अभी तो ये जो क्षेत्रों से वैसे अपने आए हैं लोग पार्टी के वर्कर्स, लेकिन जो उनके साथ में स्थायी लोग हैं अभी तो वो बसों से भर के यहाँ आएंगे, यहाँ पर रात को ठहरे हैं वहाँ से चलेंगे, देवेंद्र यादव जी के साथ आएंगे, तो हजारों की तादाद में लोग निकलेंगे। 4 फेज में यात्रा होगी, 1 महीने की यात्रा है दिल्ली में। हाँ, 4 हफ्ते की है और दिसंबर 2024 तक, 4 दिसंबर तक चलेगी और स्थायी यात्री रात को वहीं विश्राम करेंगे और सुबह उठ कर चला करेंगे और हम जैसे लोग अपनी मर्जी से अपने लोगों के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने अपने क्षेत्र से लोग लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं असर होगा इसका? बहुत असर होगा। जनता देख रही है, जनता चाह रही है कांग्रेस को, बदलाव की लहर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी जो है, नहीं वो तो पहले भी थे, लेकिन जब हम हारे हैं तो अब हम जीत भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता कांग्रेस की तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है। यात्रा में अब शुरू होने वाली है, आप यहाँ पहुँचे हैं, राहुल गांधी से भी मिले हैं आप? जी जी। क्या कुछ कहा था आपने? मैंने शादी का सवाल पूछा था उनसे, उसके बाद बहुत ट्रेंड भी हुआ था। जी जी, बहुत ही ट्रेंड हुआ था। तो कांग्रेस किस लिए अच्छी लगती है? कांग्रेस राहुल गांधी जी की वजह से। राहुल गांधी जी की? जी। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार किशनगंज। तो यहाँ पर किस लिए आए आप दिल्ली में? बिहार से आए हैं? जी। बिहार से आप दिल्ली किस लिए आए हैं? राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी से तो आप पहले भी मिल चुके हैं, अब दोबारा मिल रहे हैं मुझे। अच्छा, दोबारा मिलने के लिए बिहार से यहाँ दिल्ली आए हैं? जी, मैं 5-6 दिन तक यहाँ पे। दिल्ली की सारी जनता रोड पे, कार्यकर्ता नहीं, केजरीवाल जी की जो झूठ और
फरेब की राजनीति है उससे दिल्ली की जनता परेशान है। बीजेपी की बी टीम है ये आम आदमी पार्टी। जब इसको जमानत लेनी होती है हरियाणा में चुनाव के लिए तो इसकी जमानत दे देते हैं, वहाँ 1-2% का असर करता है कांग्रेस को और जनता को मिसगाइड ये करता है कि भाई हमें केजरीवाल जी एलजी काम नहीं करने देता, सेंटर में बीजेपी सरकार है। अरे जब तेरी 63 सीटों के बाद भी अगर तेरी नहीं चल रही तो तू क्यों बार बार, क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे इस बार आप सब जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए ये न्याय यात्रा जो भाई देवेंद्र यादव जी ने जो दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने शुरू की है उसका एक विशेष मकसद है। आज पिछले 10 सालों में दिल्ली की जो है व्यवस्था जो है एकदम चौपट हो गई है। जो शीला दीक्षित जी ने सपना देखा था दिल्ली बनाने का, एक बार क्वीन विक्टोरिया जी दिल्ली आई थी कॉमनवेल्थ गेम से पहले, उन्होंने दिल्ली को डर्टी दिल्ली कहा था, उसको संवारने के लिए शीला दीक्षित जी ने जी जान से काम किया और दिल्ली को एक अच्छे मुकाम पर पहुँचा कर छोड़ा। लेकिन पिछले 10 सालों में दिल्ली जो है वो एक दोबारा से ही कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। जो ये वादे करते हैं जनता के बीच भेदभाव डालते हैं कि भाई बसों में यात्रा फ्री, तो एक 70 साल का आदमी टिकट लेकर जाएगा और 50,000 कमाने वाली एक महिला जो है वो फ्री जाएगी। कांग्रेस लगातार कहती है बदलाव है, जैसे पिछली बार चुनाव हुए एमपी के हल्का बदलाव देखने को मिला, दिल्ली में क्या लगा? दिल्ली में बदलाव आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर श्री देवेंद्र यादव जी आ चुके हैं। पिछले कार्यकाल में आपने जितने भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देखे होंगे वो बीच में ही छोड़ के भाग गए दिल्ली को और अपने कांग्रेस को, और अब इस बार जो दिल्ली प्रदेश के जो कांग्रेस के दिल्ली जो देवेंद्र यादव जी आए हैं वो उन्होंने हर छोटे बड़े को सम्मान दिया है और हर कस्बे में हर समुदाय में जाकर सभी लोगों को जोड़ा है, जो वहाँ की जो मूलभूत सेवाएँ हैं लोगों की उनको जो जनता तक पहुँचा है। अब जो ये न्याय यात्रा जो चल रही है उसमें यहीं तक जनता के जो छोटे छोटे समस्याएँ होगी वो कांग्रेस तक पहुँचेगी, कांग्रेस उसके बाद उस समस्याओं को लेकर वो जनता की समस्याओं को दूर करेगी। तो बिल्कुल हमने कार्यकर्ताओं से बात करी, उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम मुद्दों के साथ जो कांग्रेस है वो अब लोगों के बीच जाएगी और उनसे तमाम परेशानियाँ जानने की कोशिश करेगी। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि राजघाट पर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में जो दिल्ली में कांग्रेस द्वारा न्याय यात्रा है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल 2-3 महीने का वक्त रह गया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में और ऐसे में कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। तमाम जगहों पर बैठकें चल रही है, बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष वहाँ पर तमाम जो बैठकें हैं वो देखने को मिल रही है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से जो ये दिल्ली में 1 महीने की न्याय यात्रा जो शुरुआत की गई है उससे कितना असर दिल्ली चुनाव पर देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन यश शर्मा के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।